नमस्कार दोस्तों, मैं रईस खान अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ रईस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस कीबोर्ड के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं डिमनिस कॉर्ड किसे कहते हैं और कैसे उनके नोट निकालते हैं, कैसे बनते हैं, और ऑगमेंटेड कॉर्ड। तो दोस्तों, ये थोड़े हाई लेवल के नॉलेज होती है, एडवांस है, इनका यूज हर कोई नहीं करता और सॉन्ग में प्ले करने में बहुत कम यूज होता है, लेकिन होता है और करना भी चाहिए। जो जानते हैं वो करते हैं, अच्छे से समझते हैं, जो नहीं जानते वो कॉर्ड में एडजस्ट करके बजाते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ, तो अच्छे से देखें पूरा वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, आप उसमें देख के अच्छे से सीखते रहें। तो आइए देखते हैं, तो आइए पहले देखते हैं कॉर्ड डिमनिस। तो डिमनिस कॉर्ड होता क्या है और उसके कौन कौन से नोट होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक नॉर्मली जो कॉर्ड होता है, स्केल होती है, उसमें जैसे सपोज सी मेजर, स्केल का पहला नोट, स्केल का दूसरा नोट, स्केल का तीसरा नोट, ये मेजर फर्स्ट नोट, उसके बाद तीन सेमी नोट छोड़ेंगे, सेकंड नोट के बाद दो सेमी नोट छोड़ेंगे और थर्ड नोट, ये लिए ये हुई प्रॉपर स्केल। अब इसी आधार पर हम डिमनिस कॉर्ड के नोट निकाल लेते हैं। तो पहले जो भी डिमनिस कॉर्ड हम बना रहे हैं उसका पहला नोट आएगा, जैसे कि सपोज सी डिमनिस, तो हम पहला नोट सी लेंगे, उसके बाद दो सेमी नोट छोड़ देंगे, हम सेकंड नोट ले लिया, उसके बाद फिर से दो सेमी नोट छोड़ देंगे, तो ये हमारे सी डिमनिस कॉर्ड के नोट निकल आए, सी डी शार्प और एफ शार्प, ये हुआ सी डिमनिस। इसी तरीके से कोई भी हम डिमनिस कॉर्ड बना सकते हैं, सपोज एफ, तो एफ पहला नोट एफ ले लिया, दूसरा नोट उसी आधार पर दो नोट हमने छोड़ दिए, ये सेकंड नोट ले लिया, सेकंड नोट बाद फिर से दो नोट छोड़ देंगे, थर्ड नोट भी ले लिया, तो ये हुआ एफ डिमनिस, एफ शार्प डी। कोई भी कॉर्ड हम लेंगे इसी तरीके से काउंट करके सेमी नोट के आधार पर हम उसका डिमनिस कॉर्ड निकाल लेंगे। और हाँ, कहाँ इनका यूज होता है, तो नॉर्मली जब हम कॉर्ड पकड़ते हैं इस तरीके से, हम इस ये कॉर्ड को नहीं पकड़ेंगे, तो इनका यूज बीच में कोई सॉन्ग होता है जहाँ पर कुछ सस्पेंस टाइप का, कुछ हॉरर टाइप का, या कुछ इफेक्ट डालना हो मेलोडी कीबोर्ड के जरिए, उनमें इनका अक्सर यूज होता है। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे कि देखेंगे डिमनिस कॉर्ड, ये ए माइनर डिमनिस कॉर्ड बनना है, सॉरी ए डिमनिस कॉर्ड, ए सी डी शार्प, तो देखेंगे तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं ऑगमेंटेड कॉर्ड। ऑगमेंटेड कॉर्ड भी इसी तरीके से होता है, उसका भी एक प्रॉपर स्केल कॉर्ड के तरीके से हम यूज नहीं करेंगे, इसका भी यूज हम जिस तरीके से डिमनिस कर रहे हैं उसी तरीके से इसका भी यूज करेंगे हम। तो देख लेते हैं कि डिमनिस कॉर्ड के नोट कैसे बनेंगे, सॉरी ऑगमेंटेड कॉर्ड। तो सपोज पहले ई ले लेते हैं नोट, ई ऑगमेंटेड फर्स्ट नोट ई होगा, उसके बाद तीन नोट छोड़ देंगे, 1 2 3, सेकंड नोट ले लिया, सेकंड नोट के बाद भी तीन नोट छोड़ देंगे, 1 2 3, थर्ड नोट आ गया सी, यानी कि ई डी शार्प सी। तो आपने देखा साउंड एक अलग ही निकल रहा है, कुछ अलग ही साउंड इफेक्ट आ रहा है। तो ये हुआ ई ऑगमेंटेड। मान लीजिए जी लेंगे, तो पहला नोट जी,
फिर तीन नोट छोड़ देंगे बी, फिर तीन नोट छोड़ देंगे हम डी शार्प, ये हुआ जी ऑर्नामेंटेड, सी शार्प पहला नोट वन टू थ्री नोट छोड़ दिए, सेकंड नोट वन टू थ्री ए नोट, ये हुआ सी शार्प ऑर्नामेंटेड। इनमें मेजर और माइनर से कोई मतलब नहीं होता, ये एक इफेक्टिव कॉर्ड होते हैं, अलग ही होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा मैंने अपने इस वीडियो में कॉर्ड डिमनेस और कॉर्ड ऑर्गमेंटेड के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसमें से अच्छे से देख के समझ पाएंगे कि डिमनेस और ऑर्गमेंटेड कॉर्ड क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। पूछना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।